कल की रात की बस एक ही चीज अच्छी थी कि सीजन 21-22 खत्म हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए ये सीजन बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। हम मतलब मैं पर्सनली सिर्फ ये चाहता था कि ये सीजन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैनचेस्टर सिटी फैंस, कुडोज टू ऑल द लिवरपूल फैंस। इन दो टीम्स ने प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से बढ़ाया है, एक तरीके से हमें एक जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल प्रेजेंट करके दिखाई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस वक्त पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस तरस रहे हैं देखने के लिए। यू गाइज आर वेरी लकी, यू नो, बोथ बोथ द सेट्स ऑफ फैन, के आपको आपके मैनेजर्स वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखा रहे हैं आपके क्लब में। यूनाइटेड में ये चीज़ कोसों दूर तक नहीं दिख रही हमें, और कल एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल ने अपना कैरेक्टर शो किया। सिटी वेंट 2-0 डाउन, 6 मिनट के अंदर 3 गोल, द टाइटल वॉज ऑन द लाइन। लिवरपूल वेंट 1-0 डाउन इन द इनिशियल यू नो मिनट्स ऑफ द गेम, और उसके बाद उन्होंने भी वुल्व्स को हरा दिया। ये दो वो टीमें हैं जिन्होंने नेवर से डाई स्पिरिट, जो कभी हमारी आइडेंटिटी होती थी, उसको अपने कैरेक्टर में इनहेरिट किया। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, ये सीजन इतना पेनफुल था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मैचेस बिना किसी उम्मीद के देखना शुरू कर दिया। आई मीन वी वर होपलेस। यूनाइटेड का विन परसेंटेज विदाउट रोनाल्डो इज 13%, 1-3%, दैट्स हाउ पुअर वी बीन। लास्ट नाइट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वी वेंट 1-0 डाउन, और पूरे मैच में मुझे एक बार नहीं लगा कि हम कभी भी गोल स्कोर कर सकते हैं। सिटी वेंट 2-0 डाउन एंड उन्होंने 3 गोल मारे 6 मिनट के अंतराल में। ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर दिखाता है दो क्लब्स का विद इन मैनचेस्टर। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाता है सेट ऑफ प्लेयर्स का इन टू डिफरेंट क्लब्स। ये कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखाता है बोर्ड मेंबर्स का, अप्रोच बोर्ड मेंबर्स का टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। लिवरपूल का कोई फैन ना अपने सीजन से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से निराश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके एक एक प्लेयर ने अपना 100% से भी ज़्यादा दिया है। और यूनाइटेड के लिए कल पिच पर 11 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि डिजर्व नहीं करते यूनाइटेड की किट पहनना, अदर देन डेविड डेहिया, क्योंकि कल पिच पर रोनाल्डो नहीं था। अदर देन डेविड डेहिया एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नो वन डिजर्व्स टू प्ले फॉर यूनाइटेड, नॉट इवन ब्रूनो फर्नांडिस, कल की परफॉर्मेंस के बाद। एंड सिर्फ कल की परफॉर्मेंस नहीं, पूरे सीजन की परफॉर्मेंस। मैग्वायर इज द कैप्टन एंड मैग्वायर इज नॉट द पर्सन आई वॉन्ट टू सी एट यूनाइटेड। स्कॉट मैकटॉमिने इज एन अकेडमी ग्रेजुएट। स्कॉट मैकटॉमिने वोंट बी एबल टू प्ले फॉर एनी अदर टॉप क्लब अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज ही हैजंट गॉट द क्वालिटी। मार्कस रैशफोर्ड, द किंग ऑफ मैनचेस्टर, द सन ऑफ मैनचेस्टर, इज अ शेम, इज अ शेम, लिटरल शेम। वाई? आई विल टेल यू। वेन यू बीन पेड 225K पर वीक वेजेस, यू शुड बी दी बेस्ट प्लेयर एट द क्लब, वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। एंड मार्कस रैशफोर्ड, हैज ही परफॉर्म टू दैट लेवल दिस सीजन? फॉरगेट अबाउट दिस सीजन, हैज ही बीन कंसिस्टेंट इनफ इन थ्रू आउट हिज करियर? बिकॉज आई डोंट सी एनी डिफरेंस वॉट सो एवर बिटवीन मार्शियल एंड मार्कस रैशफोर्ड, एंड दैट्स द रियलिटी। बट पीपल विल स्टिल टेक अ डिग एट मी, यू नो, बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज एन अकेडमी ग्रेजुएट एंड मार्शियल इज नॉट। कल डेविड डिया ने पोस्ट मैच में एक चीज बोली के, और जो कि हर एक यूनाइटेड फैन एग्री करेगा, कि इस सीज़न की सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ हुई है कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। और डेविड डेहा ने ये बोला कि मैं इस सीज़न को याद नहीं करना चाहता। ये सच बात है, कोई यूनाइटेड फैन इस सीज़न को याद नहीं करना चाहता। नॉट बिकॉज कि लिवरपूल ने 2 ट्रॉफीज जीती, नॉट बिकॉज सिटी ने 5 साल में 4 टाइटल जीत लिए, नहीं, इट इज़ बिकॉज कि यूनाइटेड का स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। यूनाइटेड का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिर चुका है कि हमें क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट अटैक बनाने के लिए
ऑप्शंस समझ में नहीं आ रहे थे। हाफ टाइम पे अचिंत और मैं स्क्रीनिंग पे थे, मैंने अचिंत से पूछा कि एक बार ज़रा स्टैट तो चेक कर ले हमारे पास बॉल कितनी है। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि हमारे पास 60% पोजेशन था और उस 60% पोजेशन के साथ हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। वी कुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस, जब एक बार एंथनी लेंगा ने बॉल स्क्वायर करके दी थी और एक बार जब एंथनी लेंगा के लिए बॉल स्क्वायर करके आई थी। बट कैरेक्टर गेम्स जिताते हैं। और इसमें यार देखो फिर वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग मुझे अभी ब्लेम करेंगे कि आपने रेनिक को प्लेयर्स कहाँ दिए, आपने रेनिक को बैक कहाँ किया विंडो में। ये स्क्वाड इतना केपेबल था कि रेनिक इन प्लेयर्स से अगर अपनी पे उतर आते तो परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते थे। बट क्या रेनिक ने परफॉर्मेंसेस निकलवाई, क्या रेनिक ने इन प्लेयर्स को पुश किया उनकी लिमिट्स तक, क्या रेनिक ने जिस तरह से रोनाल्डो को बार बार नाम लेकर पुकारा है मीडिया में कि रोनाल्डो 37, क्यों नाम लेकर रैशफोर्ड को नहीं बुला सकते, क्यों नाम लेकर बाकी प्लेयर्स को नहीं बुला सकते? वाई? जस्ट बिकॉज यू नो कि रोनाल्डो को अगर बोलोगे तो यू विल गेट द अटेंशन। रैशफोर्ड के बारे में बोलोगे ही इज द सन ऑफ मैनचेस्टर और दिस एंड दैट, वो एक गलत चीज भाई नहीं। आई डोंट एक्सेप्ट दिस डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर और डबल फेस बिहेवियर, नहीं। आई सिंपली डू नॉट। यूनाइटेड प्लेड 38 गेम्स दिस सीजन, जैसे कि सारी टीम्स ने खेला। 93 पॉइंट्स हैं मैनचेस्टर सिटी के, 92 पॉइंट्स हैं लिवरपूल के। वी आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल एंड 35 पॉइंट्स बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी। स्पर्स के आई थिंक 71 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स बिहाइंड स्पर्स एंड 16 पॉइंट्स बिहाइंड चेल्सी, 9 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल। जीडी हमारा सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वी हैव फिनिश्ड इनसाइड टॉप 6 बट आई डोंट नो हाउ वी डिड इट, व्हाई वी डिड इट एंड ऑन व्हाट बेसिस आर वी गोइंग टू से दैट वी डिजर्व टू प्ले यूरोपा। 57 गोल्स स्कोर्ड, 57 गोल्स कंसीडेड, 0 का जीडी है बेसिकली। तो हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने सीजन शुरू किया था विद नथिंग। टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड 58। एक तरफ आप देख रहे हो कि मैन सिटी ने पिछले 12 साल में लगातार टॉप 4 सिक्योर किया है, लगातार 12 साल, और यूनाइटेड 12 साल तो नहीं हुए लेकिन 9 साल से सिटी के ऊपर फिनिश नहीं कर पाई है लीग टेबल में। आप उनको ऑयल क्लब बुलाओ, आप उनको कुछ भी बुलाओ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर दी नॉइजी नेबर्स। वाई? सुन के बुरा लग रहा होगा बहुत सारे फैंस को, बट रियलिटी यही है। क्योंकि जिनके बर्तन खाली होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बजते वही लोग हैं। और हमारे इस वक्त पे जज्बात बहुत तगड़े हैं लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। इस वक्त पे कोई भी यूनाइटेड का फैन अगर आके ये बोलता है ना कि सिटी ने जो भी किया अपने सिर्फ ऑयल मनी के बेसिस पे किया, तो भाई पैसा तो हमने भी खर्च किया है जब से सर एलेक्स गए हैं, दबा के पैसा खर्च किया है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी कर दी हो पैसा खर्च करने में, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सिटी ने पैसा खर्च किया उस तरह से हमने पैसा खर्च किया? क्या हम अपने प्लेयर से वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हम सिटी से देखते हैं? क्या हम लिवरपूल की टीम ने जिस तरह से यर्गन क्लॉप को डिलीवर करके दी है परफॉर्मेंसेस, क्या हमने किसी भी मैनेजर के अंडर वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर करके दिखाई है? इस सीज़न में हमने 2 मैनेजर चेंज कर दिए, इस सीज़न में हमने अपने हाईएस्ट गोल स्कोरर को एक प्रॉब्लम बता दिया, इस सीज़न में हमने प्लेयर्स को एक्सपोज होने के बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैंडओवर करते देखा, इस सीज़न में हमने पॉइंट्स भले ही नहीं जीते हों लेकिन हमने न्यूज़ ड्रेसिंग रूम की लीक्स पॉइंट्स से ज़्यादा सुनी। मतलब 58 पॉइंट्स है ना हमारे, कम से कम 60-70 बार न्यूज़ आ चुकी है ड्रेसिंग रूम की लीक्स की। ये सीज़न यूनाइटेड की हिस्ट्री में, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ख़राब सीज़न है।
और जितने भी ओल्ड स्कूल फैंस ये वीडियो देख रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि ये सीज़न कितना मुश्किल था, और अब आदत सी हो गई है। लेकिन जितने भी फैंस ने रोनाल्डो की वजह से यूनाइटेड को फॉलो करना शुरू किया इस सीज़न, उनके लिए ये क्लब एक बेंटर क्लब ही तो है बेसिकली। उनको वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि ये वो यूनाइटेड है जिसमें कभी रूनी, रोनाल्डो, टेवेज, गिग्स, स्कोल्स, रियो फर्डिनेंड, नेमैनिया विडिच, पत्रीस एवरा, गैरी नेवल ये सब खेलते थे, क्योंकि अभी करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स में ना वो एम्बिशन है, ना वो रियलाइजेशन है, एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना आगे बढ़ने के लिए, कि आप में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपकी क्या औकात है, हैसियत है। इस वक्त पे इस यूनाइटेड स्क्वाड की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इस सीज़न में आपने देखा कि हमने लिवरपूल के अगेंस्ट 5-0 की डिफीट झेली अपने होम पे, 4-0 की डिफीट झेली उनके होम पे, सिटी के अगेंस्ट हमारे 2-0 से, फिर उनके होम पे जाके हमने 4 गोल कंसीड किए, 1 सेंचुरी ने अगेंस्ट रन ऑफ प्ले मार दिया। ये वही सीज़न है जहां हमने रेलिगेशंस में बैठी टीमों को हमारे अगेंस्ट ड्रॉ करते देखा। बर्नली हमारे अगेंस्ट ड्रॉ करके गए, वॉटफोर्ड से हम दोनों मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करके आए, एक हम 4-1 हारे और एक में हमने ड्रॉ खेला। ये वो ईयर है जहां नॉरिच जैसी टीम जो कि स्पर्स के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड कर रही है, हमारे अगेंस्ट 2-2 का कमबैक कर गई थी। ये वो साल था जहां हमने अपनी बैकलाइन को एक्सपोज होते देखा, द सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को ऑन द फील्ड बद से बदतर होते देखा मैच दर मैच। सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, प्लेयर्स इंप्रूव करते हैं। हमारी साइकिल उल्टी चल रही थी, सीजन की शुरुआत हमने 5-0 की विक्ट्री से की थी, 5-1 की विक्ट्री से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सीजन का जो एंड किया है हमने वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट लॉस से किया है। क्रिस्टल पैलेस प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में कभी भी हमसे सेलेस पार्क में नहीं जीती थी, बट इस सीजन ने वो सारे कारनामे तोड़ दिए। इस सीजन हमने इस कदर बेशर्मी ला दी कि हम ये भूल गए कि इस क्लब का नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड है। जब आप सिटी को खेलता देखते हो आपको उनमें एक कैरेक्टर दिखता है, आपको उनमें एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखती है उनके गेम में। जब आप लिवरपूल को खेलता देखते हो उनके अंदर आपको एनर्जी दिखती है, उनके अंदर आपको कमिटमेंट दिखता है, उनके अंदर आपको लॉयल्टी दिखती है टूवर्ड्स देयर फैन बेस एंड टूवर्ड्स देयर मैनेजर। यहाँ पर यूनाइटेड इज अ शेमलेस एफसी, यूनाइटेड के प्लेयर्स आर शेमलेस। रैल्फ रेनिक ने बोला है ना कि वी हैव टू सिट डाउन विद एरिक टेन हैग एंड हैव टू वर्क ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। आज आप देखोगे कि एरिक टेन हैग की पहली जो प्रेस इंटरव्यू है या फिर पहला जो इंटरव्यू है विद यूनाइटेड वो रिलीज होगा। यूनाइटेड हो सकता है अगली साल कुछ ना जीते, यूनाइटेड हो सकता है उसके अगली साल भी कुछ ना जीते, लेकिन मैं इन प्लेयर्स को अब क्लब में नहीं दिखना चाहता। अगर कोई रैशफोर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है ये बोल के कि सिर्फ एक सीज़न ख़राब था, तो भाई आप प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आओ फिर मेरे ओपिनियन सुनने, क्योंकि आपको शायद फिर बुरा लगेगा। दैट इज़ द रियलिटी। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सम एनीथिंग अगेंस्ट हिम, नहीं, आई डोंट लाइक दैट गाइज एटीट्यूड। वेन यू सी अ 37-year-old रोनाल्डो ट्रैकिंग बैक, पुशिंग हार्ड, अर्जिंग यू नो द टीम टू डू कलेक्टिव प्रेस टू परफॉर्म बेटर, एंड वेन आई सी अ 24-year-old मार्कस रैशफोर्ड जॉगिंग अराउंड, नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, नॉट गिविंग अ फ्लाइंग फक अबाउट हाउ वी आर परफॉर्मिंग, दैट्स वेन यू रियलाइज कि ही इज़ नॉट द वन। दैट्स वेन यू एंड पीपल हु स्टार्टेड कंपेयरिंग रैशफोर्ड विद रूनी, रैशफोर्ड विद गिग्स शुड अपोलोजाइज, शुड री थिंक वाई दे सेड दैट, यू नो वॉट मेड दैम से दोज काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज रैशफोर्ड इज नॉट इवन 1/10 ऑफ अ प्लेयर ऑफ वॉट रूनी वॉज और ऑफ और वॉट गिग्स वॉज, ही इज नॉट। हैरी मैग्वायर इज नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉरगेट अबाउट लीडिंग द टीम भाई, एज अ कैप्टन इज नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड।
Scott McTominay is not fit to play for United. Forget about that academy loves and this and that. Why he is not United standard. That's a reality. फ्रंट लाइन में कौन है? कोई नहीं. यंगस्टर्स को खिला दो. मैं तो कह रहा हूँ रैनिक से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, जिस तरह की हाइप मैंने खुद ने क्रिएट की थी रैनिक के आने से पहले, रैनिक हैज डिसअपॉइंटेड मी मैसिवली. रैनिक से मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं. आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम controlling my tears right now. I don't know how I'm even recording this video, because कल screening पे there was no belief, और इसीलिए कल crowd हमारी screening पे था भी नहीं basically, क्योंकि लोगों को पता था. और मैंने अपने preview में भी बोली थी ये चीज़ कि I will not be shocked अगर हमें Crystal Palace हरा देगी तो, and हुआ वही. Liverpool fan और you know ये आपके मैन सिटी फैंस, वो अपनी लाइफ के बेस्ट डे जी रहे हैं भाई, ठीक है ना. और जो नई जनरेशन जिसने अभी सर एलेक्स के बाद से यूनाइटेड को फॉलो करना शुरू किया होगा, उनके लिए सिर्फ किस्से और कहानियां हैं पास्ट की, क्योंकि हम रियलिटी में इस वक्त पे कुछ कर नहीं रहे अच्छा जिसके बेसिस पे हम प्राउड फील कर सकें, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें नहीं वी आर गुड इनफ टू बी इन द सेम ब्रैकेट विद मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल. Klopp has overturned the entire situation at Liverpool. Pep Guardiola has restructured the philosophy of Man City, the footballing project of Man City. That's when you realize that things are not working well. Things are not going in the direction as they used to for United. And the reason is the players, the appointment of managers, and the impatient behavior of fan base, because fan base is equally responsible for the utter shit that we've been going through. हम अगर शांत रह लेते, अगर हम जोसे मोरिनियो को कर लेते थे मैनेज, तो आज हो सकता है चीज़ें कुछ और होती. मैं यहाँ बैठ कर एक घंटे तक इस टॉपिक पर बात कर सकता हूँ, बट वीडियो खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज सीजन ख़त्म हो चुका है. जो दर्द था वो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, और जब तक अगला सीज़न शुरू होगा तब तक हम और भी ज़्यादा ड्रामे देख रहे होंगे ट्रांसफर मार्केट में. हो सकता है हम कोई रियलिस्टिक साइनिंग करें ना जो हमें करनी चाहिए. और पुल पावर की अगर मैं बात करूं तो एस्टन विला ने हमारी नाक के नीचे से कमारा को साइन कर लिया. ना ये दिखाता है कि पुल पावर यूनाइटेड की अब उतनी नहीं है मार्केट में, क्योंकि जेरार्ड जैसा मैनेजर जो कि अभी इसी सीज़न आया था, उसकी पुल पावर कमारा से मतलब उसकी पुल पावर यूनाइटेड से ज़्यादा है. तभी तो वो कमारा लेके चला गया, कोटिन्यू लेके आ गया. ये एक वरिंग साइन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ऑन अ होल, एंड आई होप अगले सीज़न हमें ये सब झेलना ना पड़े. बस मेरा एक ओपिनियन है और मेरा एक रिक्वेस्ट है पूरे यूनाइटेड के फैन बेस से कि प्लीज़ एरिक टेन हैग को उसका काम करने देना. एरिक टेन हैग को प्लीज़ आप उस तरह ट्रीट मत करना जिस तरह से आपने इम्पेशेंट होकर जोसे मोरिनियो को ट्रीट किया. और वीडियो के एंड में मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैंने उस टाइम भी बोली थी ओले वॉज नेवर द ओनली प्रॉब्लम. ओले वॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट ओले वॉज नेवर द प्रॉब्लम, नेवर द ओनली प्रॉब्लम, एंड दैट्स अ रियलिटी.